नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का बेबीज वर्ल्ड इंडिया में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग सॉल्यूशन के बारे में स्पेशली जिन बच्चों को एडीएसडी का प्रॉब्लम है या फिर बहुत ही माइल्ड ऑटिज्म है या फिर थोड़ी बहुत भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है वैसे इन सब टिप्स को आप जो बच्चे नॉर्मल हैं जिनको एडीएसडी की प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी ट्राई कर सकते हो बहुत ही इफेक्टिव वेज है जो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बेबीज वर्ल्ड इंडिया को अगर आपने अभी तक नहीं किया सो लेट्स गेट स्टार्टेड देखिए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चा आखिर लिखना क्यों नहीं पसंद करता आई मीन मोस्टली बच्चे जो है वो लिखना पसंद नहीं करते क्यों स्पेशली अगर एडीएसडी वगैरह का प्रॉब्लम है या फिर कॉन्सेंट्रेशन की थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि ऑलरेडी बच्चे को कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है और लिखने में पढ़ने से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है तो सबसे पहली चीज है कि आप बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन पर काम करो मतलब जो एक्टिविटीज बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उन सब चीज़ों को करो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज बना चुकी हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप बेबीज वर्ल्ड इंडिया के प्लेलिस्ट में जाके देखो उसका एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैटर्न राइटिंग पैटर्न राइटिंग से भी कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ ही साथ उंगलियों की मसल्स बिल्ड होती है जिससे कि जब आप बच्चे को लेटर्स uh, या फिर वर्ड्स लिखवाना शुरू करोगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी तीसरी चीज है ड्राइंग ड्रॉइंग एक ऐसी चीज है कि मोस्टली बच्चों को पसंद आता है तो बच्चे से ड्रॉइंग जरूर करवाएं और शुरू में जब आप बच्चे को ड्रॉइंग करने के लिए देते हो ना तो जैसे कि एप्पल मैंगो इस तरह की बड़ी चीजें बना

से हम उन्हें पेंसिल पेन pen पकड़ाना शुरू करते हैं एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अरे बच्चा तो लिख ही नहीं रहा है तो दिस इज द वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम कि बच्चे को लिखने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है चौथी चीज है ट्रेसिंग ट्रेसिंग से भी कंसंट्रेशन बढ़ता है और साथ ही बिल्कुल परफेक्टली लिखने की आदत पड़ती है बच्चों के बच्चों में कि कौन से लेटर्स को कितना बड़ा लिखना है किस लाइन के अंदर लिखना है तो ट्रेसिंग जरूर कराएं बच्चों से इवन अगर आपके बच्चे को पूरा अल्फाबेट लिखना आ भी गया है तो भी ट्रेसिंग जरूर कराते रहें। और बड़े बच्चों के लिए ट्रेसिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मतलब एबीसीडी दे रहे हो आपके बच्चे के लेवल के हिसाब से आप उन्हें कोई सेंटेंसेस ट्रेस करने के लिए दे सकते हो कोई पैटर्न ट्रेस करने के लिए दे सकते हो ट्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए और लिखने में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा ओके okay, पांचवी चीज़ है मसाज बेबीज फिंगर जब बच्चे को आप डे वन से मसाज करना शुरू करते हो तब से बच्चे की उंगलियों को इस तरह से सर्कुलर मोशन में जरूर मसाज करें इस तरह से इससे बहुत ही हेल्प होगा जब बच्चा लिखना शुरू करेगा क्योंकि इस तरीके की मसाज से बच्चों की उंगलियों की स्ट्रेंथ बिल्ड होती है अगेन अगली चीज़ है फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना आ, फाइन मोटर स्किल्स आ, की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन की आ, ही चीज़ें होती हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और साथ ही जो काम जिसमें कि हैंड और आई दोनों इन्वॉल्व है उस काम को करने की कैपेसिटी बढ़ती है और लिखने में भी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन दोनों डेवलप तो करने के लिए ऑलरेडी हुए आपको में, मिल जाएगा। और साथ ही के प्ले में भी एक अलग सेक्शन इसका मिल जाएगा फाइन मोटर स्किल्स बढ़ाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक इस बारे में मैंने पिछले वीडियोज में भी बात किया हुआ है बच्चों को सेल्फ फीडिंग की हैबिट दिलाए स्पून से चम्मच को पकड़ने का जो तरीका होता है और पेन को पकड़ने का जो तरीका होता है ऑलमोस्ट सेम होता है स्पून और पेन दोनों को हम इस तरीके से ये तीन उंगलियों की हेल्प से पकड़ते हैं तो बिल्कुल बच्चे को शुरू से ही स्पून फीडिंग की आदत दिलाएं जब बच्चा 6 सात महीने का होता है बच्चे की ग्रिप अच्छी खासी हो जाती है उस वक्त तो उसी वक्त से बच्चे को कुछ भी टेबल फूड वगैरह देके हाई चेयर पे बिठा दो थोड़ा सा और स्पून दो ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे इन सब चीजों का हेल्प आपको तब मिलेगा जब बच्चा बच्चे को आप लिखवाना शुरू करोगे लेकिन अगर आपका बच्चा ऑलरेडी उस फेज को क्रॉस कर चुका है दो साल का है तीन साल का है तो भी कोई बात नहीं अभी से स्टार्ट करो स्पून फीडिंग की आदत बच्चे को दिलाओ स्पून फीडिंग से कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है क्योंकि बच्चे को देख के खाना होता है कि मैं चम्मच से कितना दाल चावल या जो भी चीज खा रहा हूं उठाऊं और मुंह में कैसे डालना है किस तरह से स्पून को होल्ड करना ताकि खाना नीचे नहीं गिरे तो ये सब चीजें जो है आपको ओवर द टाइम बच्चे को लिखने में हेल्प कराएंगी और अगेन फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है हर एक बच्चे के लिए और स्पेशली अगर बच्चे को ए है या फिर किसी भी तरह का थोड़ा भी डेवलपमेंटल डिलेज है तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है मतलब कि अगर आप अपने बच्चे को डेली आधे घंटे लिखने के लिए बिठाते हो तो इेस्पेक्टिव ऑफ वॉट आप बच्चे को उस टाइम पे लेके बैठो लिखवाओ और इसको आप बिल्कुल मतलब रूटीन uh, में ऐसे कर लो जैसे कि आप खाना खाते हो जैसे कि आप वैकेशन वगैरह लेते हो तो बच्चे को खाना खिलाना तो नहीं छोड़ते बच्चे को बिठा के खाना खिलाते हो ना उसी तरीके से बच्चे को अगर आप डेली आधे घंटे लिखवाते हो तो फिफ्टीन मिनट ट्वेंटी मिनट्स ही लिखवाएं लेकिन जरूर लिखवाएं ताकि बच्चे की जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं छूटे क्योंकि अगर आप एक हफ्ते के लिए भी बच्चे को अगर लिखवाना छोड़ोगे ना तो फिर आप देखोगे कि आपने कि बच्चा उस एक हफ्ते में ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने बैक हो जाता है फिर से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को लिखने में इंटरेस्ट दिलाने के लिए तो कंसिस्टेंसी तो जरूर ही मेंटेन करें आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए ये वीडियो कैसा लगा है? इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिखिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नमस्कार